हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका क्लास 10 के लिए बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। तो आप भी देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। यह लाइफ प्रोसेस का मेन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में या फिर प्लांट में कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बनता कहीं और है, जरूरत कहीं और है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टिंग होना जरूरी है। जैसे अगर आप प्लांट में देखेंगे तो प्लांट में लीफ को वाटर की आवश्यकता होती है, तो कहां से आएगा लीफ? तो ये आप देखते हैं, जनरली सॉइल के द्वारा रूट हेयर, सॉइल में जो वाटर रहता है रूट हेयर के द्वारा अब्जॉर्ब होता है और जाइलम होते हुए लीफ तक पहुंचता है। उसी तरह से लीफ में बना हुआ जो फूड होता है वो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। अगर ये नहीं होगा तो शायद प्लांट अपना लाइफ को पूरा नहीं कर सकेगा। उसी तरह से एनिमल में भी ऐसा ही होता है। जब हमारे डाइजेशन होता है, हम न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। वो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, लिम्फ के द्वारा वो शरीर के हर एक सेल तक जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन होना भी बहुत जरूरी है। उसी तरह जब हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो आप देख चुके हैं पिछले चैप्टर में कि किस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग होता है, CO2 का ट्रांसपोर्टिंग होता है। इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टिंग सबके लिए जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टिंग का मतलब आप समझ गए। आइए देखते हैं, दोनों के लिए हम प्लांट के लिए भी पढ़ेंगे और एनिमल के लिए भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर देते हैं ह्यूमन का टर्म में। तो ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके लिए ह्यूमन में एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर इस सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा ब्लड सेल्स, ये हेल्प करेगा क्योंकि ब्लड सेल्स कहीं भी जा सकता है, लेकिन ब्लड सेल्स को कहीं भी पहुंचने के लिए उसे एक मीडियम की आवश्यकता होती है। और यह मीडियम या पाथ जो प्रोवाइड होता है, यह होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, यानी कि इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स होकर के ये ब्लड सेल्स और इसमें मौजूद प्लाज्मा, या इसको हम लोग ब्लड स्किप कर देते हैं, ब्लड सेल्स नहीं, सिर्फ हम इसको ब्लड करते हैं। और तीसरा पार्ट होता है हार्ट, जो कि यही एक पावर मशीन है, पंपिंग का काम करेगा। पंपिंग जब करेगा तो ब्लड इस ब्लड वेसल्स में मूव करेगा और ये ब्लड शरीर के हर एक पार्ट तक पहुंचेगा, जिसको जहां जो जो मटेरियल्स देना है वहां वहां दे देगा। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा या अदर प्रोडक्ट होगा उसको वो रिसीव कर लेगा और दूसरे जगह उसको फिर पहुंचा दिया जाएगा। ये पूरा सिस्टम मिल करके हमारे बॉडी के अंदर काम करता है। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में चर्चा करते हैं। पहले ब्लड के बारे में जानते हैं। ब्लड जानते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है लिक्विड पार्ट्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, यह लगभग 55% रहता है। और दूसरा होता है ये ब्लड सेल्स, जो कि 45% रहता है। अगर हम किसी भी टेस्ट ट्यूब में ब्लड का कलेक्ट करें तो हम देखेंगे नीचे में सॉलिड पार्ट जमा रहता है और ऊपर लिक्विड पार्ट जमा होता है। ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा और नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं ब्लड सेल्स। क्लियर है? तो प्लाज्मा में बहुत सारा चीज रहता है, वाटर रहता है मोर देन 90%। इसके अलावा कई प्रकार के प्रोटीन्स रहता है, कई प्रकार के डाइजेस्टिव प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है, कई प्रकार के गैसेस वगैरह भी रहते हैं, मिनरल्स वगैरह रहता है, मतलब बहुत सारा चीज इस प्लाज्मा में मौजूद रहता है। ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स तीन प्रकार के होते हैं। एक RBC होता है, एक
डब्ल्यूबीसी होता है और एक प्लेटलेट्स होता है। क्लियर है? तो तीन प्रकार के ब्लड सेल्स हो सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी बायकॉन्केव डिस्क शेप में होता है, मैच्योर जब हो जाता है ये, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस के जगह पर इसमें बाद में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आ जाता है। ठीक है, इसका लाइफ होता है 120 डेज। इसका लाइफ कितना होता है? 120 डेज होता है, यानी कि आज जन्म लिया तो 120 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये लगभग 8 मिलियन पर सेकेंड यह आरबीसी तैयार होता है। मेन काम इसका हीमोग्लोबिन के कारण ही है, हीमोग्लोबिन के कारण ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाता है। ठीक है, इसलिए इसका रहना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा आरबीसी। सबसे ज्यादा अगर सेल्स की बात करें तो यही हमारा सबसे ज्यादा सेल्स रहता है, लगभग 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम, ये इतना इसकी संख्या होता है ये आरबीसी का, और हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसकी संख्या कम होगी तो एनीमिक पेशेंट हो जाएगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टिंग सही से नहीं होगा और बॉडी के सेल्स को एनर्जी नहीं मिलने वाला है, तो वो पेशेंट काफी कमजोर हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी ये आरबीसी की तुलना में बड़ा होता है, लार्जर देन आरबीसी, आरबीसी के शेप से यह बड़ा होता है। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन न्यूक्लियस अलग अलग शेप का होता है, इसी शेप के कारण इसका अलग अलग प्रकार होता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स होता है, लिम्फोसाइट्स होता है, एसनोफिल्स होता है, मोनोसाइट्स होता है, बेसोफिल होता है। ये मेनली 5 प्रकार का होता है, हम लोग आगे इसको डिटेल्स पढ़ेंगे, इस क्लास में हमें उतना नहीं पढ़ना है। तो डब्ल्यूबीसी होता है, इसकी संख्या लगभग मान के चलिए 7-8 हजार लगभग पर क्यूबिक एमएम पाया जाता है। ठीक है, यह बोन मैरो या थायमस ग्लैंड में बनता है, मेनली बोन मैरो में ही बनता है, जहां ब्लड सारा बनता है वहीं ये भी बनता है। यह मेनली हमारे बॉडी के इन्फेक्शन को दूर करता है, यह हमारे इम्यूनिटी का मेन पार्ट है जो पैथोजन को किल करता है। मेन काम डब्ल्यूबीसी का यही है। प्लेटलेट्स क्या करता है? यह ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्या करता है प्लेटलेट्स? ब्लड क्लॉटिंग में यह हेल्प करता है। यह भी इरेगुलर शेप का बना होता है, इसका कोई स्पेशल शेप नहीं होता है, जैसे मैं तैसे ये टूटा फूटा रहता है, और इसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका भी लाइफ ज्यादा देर नहीं होता है, प्लेटलेट्स का 7 डेज होता है। डब्ल्यूबीसी में वेरी करता है, सबका अलग अलग होता है, कोई 2-4-5 दिन भी रहता है, कोई 13 दिन भी रहता है, यानी कुछ दिन का ही सही सारा सब मेहमान है। तो ये हुआ ब्लड सेल्स। तो हमने जान लिया ब्लड के बारे में, ब्लड फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें कि ब्लड के कंपोनेंट को हम लोग 2 भागों में बांटे, प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स में। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट्स हो गया, ब्लड सेल सॉलिड पार्ट्स हो गया। ब्लड सेल में भी 3 प्रकार का सेल हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबका अपना अपना काम है। क्लियर है? आते हैं ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स और एक होता है कैपिलरीज। 3 प्रकार के ये ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। ये आर्टरीज क्या होता है मेनली? इसका वाल ज्यादा मोटा होता है, ये इसका जो वाल होता है ये मोटा होता है। हार्ट जब पंपिंग करता है तो जो ब्लड निकलता है वो आर्टरी के द्वारा ही पूरे बॉडी में जाता है। इसका मतलब ये हुआ आर्टरी का मेन काम क्या है? हार्ट के ब्लड को पूरे शरीर तक पहुंचाना, यानी हार्ट टू बॉडी। ठीक है, आर्टरी काम क्या हो गया मेनली? हार्ट में जो ब्लड है उसको पूरे शरीर तक पहुंचाना। क्लियर है? और इसी ब्लड के द्वारा अलग अलग प्रकार न्यूट्रिएंट्स, गैसेस सब मिलेगा और पूरे शरीर को जाकर के ये मिल जाएगा। तो ये आगे चल के फिर बढ़ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं आर्टेरियोल्स या आर्टरी, इसके ब्रांच को कहेंगे आर्टेरियोल्स। फिर ये ब्रांच भी कई पतले पतले ब्रांच में बढ़ता है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये कैपिलरीज।
तो कैपिलरीज क्या होता है, बहुत ही थीन वॉल का बना होता है, इतना थीन वॉल का ये बना होता है, क्योंकि ये जो कैपिलरीज होगा ब्रांचिंग हो करके कई प्रकार के टिश्यूज ऑर्गेन्स के बीच में जाकर के ये घुसे होते हैं। वहां इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं कोई गैसेस है तो ये गैसेस यहाँ पर ये रिलीज कर सकता है, और अगर कोई गैसेस वापस लेना है तो ये वापस इसमें ले सकता है, कोई न्यूट्रिएंट को डालना है तो न्यूट्रिएंट डाल सकता है, कोई एक्सोटिक प्रोडक्ट लेना है तो ये वापस ले सकता है, इस तरह से ये काम कर सकता है। उसी तरह से ये फिर क्या होता है, आकर के आपस में आकर के ये जुट जाएगा। तो ये ब्लड कैपिलरीज हो गया, तो ब्लड कैपिलरीज के दौरान क्या होता है, यहां पर एक तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसी जगह हो जाता है। जो ऑक्सीजन ये आया हुआ था यहां से जाने के बाद ये बदल जाएगा वेन्यूल्स में, और ये वेन्यूल्स कई वेन्यूल्स आपस में जुट करके जो है ये बनाता है वेन, यानी कि ये वाला वेन बन गया। ठीक है, यानी कि ये हार्ट है, हार्ट से बॉडी की ओर ब्लड गया, यहां पर ब्लड में जो जो चीज रहा सारा चीज ये ले लिया, और उसके बाद जो कचरा बचा ये इसमें आ गया है, यानी इसमें बिना ऑक्सीजन का ब्लड है, और ये वापस जा रहा है हार्ट की ओर। क्लियर है? तो यहां पर इस पिक्चर से स्पष्ट पता चल रहा है कि आर्टरी का काम है ब्लड को हार्ट से बॉडी के सभी भागों में भेजना, और वेन का मेन काम है कि बॉडी के ब्लड को हार्ट तक ले जाना। ये काम, हार्ट का दीवार थोड़ा मोटा होता है जबकि वेन का दीवार पतला होता है, थीन वाल होता है, क्योंकि हार्ट ये जो आर्टरी है इसमें जो ब्लड फ्लो होता है काफी प्रेशर के साथ फ्लो होता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का बैकवर्ड फ्लो बचने के लिए कोई भाल होने की आवश्यकता नहीं है। जबकि वेन में क्या होता है, इसको धीरे धीरे करके वापस हार्ट में ब्लड को लेके जाना होता है, और यहां तक आते आते ब्लड का प्रेशर खत्म हो जाता है, तो अगर ये आगे बढ़ेगा तो ब्लड बैक फ्लो हो सकता है, जिससे बचने के लिए इसके पास वाल्व होता है जो ब्लड का बैक फ्लो नहीं होने देता है। क्लियर यहां तक? इसके अलावा आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, और वेन में क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड, यानी इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होगा और इसमें क्या होगा बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होगा। क्लियर यहां तक? कुछ अपवाद है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी है तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, वो हम लोग हार्ट के स्ट्रक्चर में चलेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस आता है लिखने के लिए, और दोनों कनेक्ट करने के लिए कैपिलरीज है, कैपिलरीज के पास से ही पूरी बॉडी को ब्लड से न्यूट्रिएंट्स गैसेस एक्सट्री प्रोडक्ट हार्मोन्स एंजाइम जो भी है वो इसके द्वारा ही मिलता है। तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स हार्ट में, जो हमारे बॉडी का मेन पार्ट्स है ह्यूमन हार्ट। यह मेनली क्या करता है, ब्लड का पंपिंग करता है। क्या करता है, यह मेनली ब्लड का पंपिंग करता है, इससे क्या होगा ब्लड हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो कैसे होता है ये सारा चीज हम लोग देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं ह्यूमन हार्ट का। तो ह्यूमन हार्ट का जो शेप होता है क्लोज्ड फिस्ट के समान होता है लगभग, ठीक है, और इसका जो वजन होता है 250 ग्राम टू 300 ग्राम होता है। वैसे पूरे बॉडी का जो वेट होता है उसका लगभग 5% होता है। फीमेल में हार्ट थोड़ा सा छोटा होगा, कम वजन का होगा, जबकि मेल में हार्ट का वेट थोड़ा ज्यादा होता है। तो चलिए आते हैं देखते हैं इसका इंटरनल एनाटॉमी में, हार्ट में क्या क्या होता है। आप भी देखें कैसे बन सकता है हार्ट का स्ट्रक्चर, आप भी बना सकते हैं, दिक्कत होगा तो पॉज करके आप बनाइए हार्ट का पिक्चर। चलिए देखते हैं हार्ट में क्या होता है, चार चैम्बर होता है। कितना चैम्बर होता है, फोर चैम्बर। ऊपर वाला दोनों चैम्बर को हम लोग कहते हैं आरिकिल, यानी ये वाला भाग राइट साइड में है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे राइट आरिकिल या एट्रियम। ये हो जाएगा लेफ्ट आरिकिल, ये हो जाएगा राइट
वेंट्रिकल, ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से हार्ट में कितने चैम्बर हो गए, चार चैम्बर हो गए। जितने भी मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, या सभी के हार्ट में फोर चैम्बर ही होता है। और रेप्टाइल्स में भी कुछ मेंबर में, जैसे कि क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर होता है, बाकी सब में थ्री चैम्बर ही होता है। एम्फीबिया के सारे मेंबर में थ्री चैम्बर होता है, फिशेस में सब में दो चैम्बर होता है। तो हार्ट भी याद रखना पड़ेगा किसमें कितना चैम्बर होता है, आगे चलकर और भी बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये चार चैम्बर हो गया, क्लियर है। ऊपर वाले पार्ट्स को ऑरिकल, नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो राइट ऑरिकल वाले पार्ट्स में क्या होता है, बॉडी के से पूरा ब्लड कलेक्ट करके यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। यानी कि राइट ऑरिकल में क्या होता है, ब्लड आता है पूरे शरीर से। कैसा ब्लड आता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कि वैसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता है। यानी कि अभी हमने बताया कि वेन सारा कंज्यूम कर चुका है, उसी वेन से आएगा। तो कौन कौन सा वेन है, तो शरीर के ऊपर वाला पार्ट से जो भी आएगा उस वेन को हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेन आर्टरी। और शरीर के नीचे से जो ब्लड आएगा उसको कहते हैं हम लोग इन्फीरियर वेन आर्टरी। वेन कैविटी है तो इससे भी ब्लड आ रहा है और इससे भी ब्लड आ रहा है, दोनों से ब्लड पहुंच रहा है। कहां पहुंच रहा है, राइट आर्टिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, यानी एक तरह से वेन है, उस वेन के द्वारा यह ब्लड कहां पहुंच गया, राइट आर्टिकल में पहुंच गया, क्लियर है। राइट आर्टिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक छिद्र है, एक पोर है, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। अपर्चर का मतलब पोर होता है, दोनों बीच में एक रास्ता बना हुआ है और इसी रास्ते पर बना होता है हमारा वाल्व। क्या बना होता है, ये है वाल्व, जिसको हम लोग कह सकते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका दूसरा नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसे ही इसमें ब्लड पूरा आता है, जब पूरा तैयार हो जाता है, इसमें ब्लड आ जाता है, कलेक्ट हो गया, तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो आगे क्लास में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे एक नोड होता है एस ए नोड, जिसको हार्ट का पेस मेकर कहते हैं। तो जैसे ही इसके संपर्क में ये आएगा, तो एक तरह से इसमें करेंट पैदा होता है। यह करेंट पैदा होने के कारण क्या होगा, ये जो राइट ऑरिकल पार्ट होगा ये सिकुड़ जाएगा। जैसे ही सिकुड़ेगा तो इसका ब्लड क्या होगा, इस वाल्व को खोलते हुए ब्लड पहुंच जाएगा राइट वेंट्रिकल में। कहां पहुंच जाएगा ये ब्लड, राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया, क्लियर है यहां तक। राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाएगा तो अब क्या हुआ, यहां ब्लड ज्यादा आ जाएगा, अब इसको सिकुड़ना पड़ेगा। इसको सिकुड़ने के पहले यहां पर एक पाइप बना होगा, ये जाता है लंग्स में, खुलता है। कहां खुलता है ये पाइप, ये जो राइट वेंट्रिकल से ये जो पाइप निकला हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर है। तो ये जैसे सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ता क्यों है, एक्चुअल में ये करंट जो है यहां से फ्लो होकर के मसल्स के द्वारा यहां तक पहुंच गया। यहां भी एक नोड होता है जिसको हम लोग कहते हैं एबी नोड। तो ये करंट यहां भी फ्लो हो गया, जिसके कारण ये अभी क्या होगा, अब सिकुड़, जैसे ही सिकुड़ेगा ये ब्लड अब इसमें फ्लो हो जाएगा। ये आप देखेंगे तो यह कहां चला जाता है, लंग्स में, दोनों लंग्स में यह चला जाएगा, क्लियर है। पल्मोनरी आर्टरी, यहां आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यह भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी मैंने आर्टरी बारे में बताया था, जितनी भी आर्टरी होते हैं सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन यह जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, क्लियर है, बाकी सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके यहां तक। तो ये अब क्या होगा, लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में जाने के बाद वहां से यह लौटेगा, और अब वहां पर जाने के बाद चूंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम लोग पढ़े हैं कि एल्विओली के पास क्या होता है, सारा ब्लड कैपिलरीज पहुंचता है, वहां पर वो ऑक्सीजन यूज करता है लंग्स में जो रहता है। तो ये वहां से लौट करके आएगा और
इसको हम लोग कहेंगे पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पल्मोनरी वेन। इस वेन्स के द्वारा क्या होगा? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये सारा ब्लड कहां पहुंच जाएगा? लेफ्ट आरिकल में, है ना। तो ये यहीं से आया हुआ है पल्मोनरी वेन में। इसमें प्योर ब्लड है, यानी कि इसमें जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। हमने देखा था राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है? पल्मोनरी वेन में जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनिक ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन है, वो प्यूरिफाइड ब्लड है। वो ब्लड क्या कहां पहुंच गया? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक पोर है, एपर्चर है, इसको हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। यहां पर भी एक अपर्चर होगा, जो कि यहां पर एक वाल्व होगा। इस वाल्व को हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या फिर इसको हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्लियर है? इसको क्या कहेंगे हम लोग? बाइकस्पिड वाल्व। तो जैसे ही यह करंट मिला कर ये सिकुड़ा, तो साथ में यह भी सिकुड़ता है। जैसे ये सिकुड़ता वैसे ये भी, तो जो ब्लड इसमें आया हुआ तो वह भी इसमें क्या हुआ, कहां पहुंच जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, पहुंच गया यहां पर। यहां पर जब आएगा तो यह भी सिकुड़ेगा, तो इसी भी करंट के प्रभाव से यह भी सिकुड़ेगा। तो इसी समय यहां से यह ब्लड निकलेगा और एक स्पेशल आर्टरी के द्वारा ये पूरे बॉडी में चला जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एओर्टा। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एओर्टा। यहां पर भी एक वाल्व बना होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। यहां पर भी एक वाल्व है, ये भी वाल्व है। ये सारा वाल्व क्या होता है? ये वाल्व, ये वाल्व, ये सेमी ल्यूनर वाल्व होता है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं पल्मोनरी वाल्व, इसको कह सकते हैं हम लोग एओर्टिक वाल्व, ठीक है। चूंकि एओर्टा का वाल्व है, इसको हम लोग कहेंगे एओर्टिक वाल्व, और इसको हम लोग कह सकते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्लियर है सर? ये समझ में आ गया? तो ब्लड कहां पहुंच गया अब इसके सिकुड़ने से? एओर्टा में। ये कहां चला जाता है? पूरे बॉडी में ये चला जाएगा। तो पूरे बॉडी के जो ब्लड जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड अब जाएगा, प्यूरिफाइड ब्लड जा रहा है। क्लियर है? ये समझ में आ गया यहां तक? तो इस तरह से आप हार्ट का पिक्चर बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक? नो प्रॉब्लम। देखो फिर से जल्दी से देख लीजिए, हार्ट में फोर चैम्बर हुआ, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या हो रहा है? सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा से पूरे बॉडी से बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल जब सिकुड़ता है तो ब्लड क्या होता है? राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। इसके लिए जो इसके बीच में वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व, वो खुल जाता है, और जब यह सिकुड़ेगा तो यह पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। यहां पर भी इसको खोल देता है, खोलने के बाद यह ब्लड लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में ब्लड प्यूरिफाइड होगा, और प्यूरिफाइड यानी मतलब ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजन लेने के बाद यह ब्लड क्या होगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहां पहुंच जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये जो आता है बाइकस्पिड वाल्व को खोलते हुए यहां पहुंचता है। जब यह सिकुड़ेगा तो यह ब्लड कहां पहुंच जाएगा? एओर्टिक वाल्व को खोलते हुए यह पूरे बॉडी में चला जाएगा। इस तरह से यह हुआ। तो यहां पर हम देख सकते हैं हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है, दो प्रकार का सर्कुलेशन होता है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब हो गया जिसका इन्वॉल्वमेंट में हार्ट और लंग्स इन्वॉल्व, जिसमें हार्ट और लंग्स इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जिसमें हार्ट और पूरा बॉडी शामिल होता है उसको हम लोग कहेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो आप यहां से देख सकते हैं राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी होते हुए लंग्स में गया, और लंग्स से क्या हुआ? ये पल्मोनरी वेन होते हुए लेफ्ट ऑरिकल में आया। ये कहलाएगा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहलाएगा? ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि ये डायरेक्ट वाला पार्ट जो है ये सब लंग से जुटा हुआ, इसलिए पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। यहां से जब ब्लड निकल करके पूरे बॉडी में जाता है, और पूरा बॉडी से वो बिना ऑक्सीजन का ब्लड लेकर के इस वेना कैवा द्वारा राइट ऑरिकल में आता है, तो इसको हम लोग कहेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ये दो प्रकार का सर्कुलेशन होता है। तो मैमल्स में, बर्ड्स में, यहां तक रेप्टाइल्स में, एम्फीबिया में, यह सब में डबल सर्कुलेशन होता है। क्लियर है? डबल सर्कुलेशन लेने से फायदा होता है, ठीक है।
और खास करके मैमेलिया और बर्ड्स में क्या होता है कि यहाँ पर ये ब्लड आपस में मिलता नहीं है, मिक्सिंग नहीं होता। ये मिक्सिंग नहीं होने से फायदा ये होगा कि चूंकि यह वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, मैमल्स और बर्ड, ठीक है, तो इसको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है क्योंकि उसको होम्योस्टैटिक कंडीशन में रहना पड़ता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये ब्लड को मिक्सिंग नहीं होने देता है, दोनों सेपरेशन किया हुआ है। लेकिन वही अगर हम पिछले में जाएंगे रेप्टाइल्स में, एम्फीबिया में, तो वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहां ब्लड का मिक्सिंग होता है, क्लियर है, क्योंकि वो सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो ये क्लियर हो गया। इसके अलावा और जानते हैं, हार्ट से एक आवाज आती है लव डब की, फर्स्ट आवाज लव और सेकेंड आवाज होता है डब। तो इसमें क्या होता है, जब ब्लड यहां से यहां आ रहा था तो ये वाल्व खुलता है, ये वाल्व बंद होता है, तो इस वाल्व के बंद होने को से जो होता है, जो साउंड प्रोड्यूस हुआ, इसको हम लोग कहते हैं लव, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम लोग लव कहते हैं। और उसके बाद जब ये ब्लड यहां आता है, तो उसके बाद जब ये वाल्व खुलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डब। तो ये दो तरह का साउंड इसमें आता है, हार्ट का साउंड को हम लोग कहते हैं लव डब। कितना बार पंपिंग होता है, तो लगभग जो है एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट जो होता है पंपिंग का काम करता है, यानी लगभग जो है एक बार पंपिंग करने में, यानी एक बार ये साइकिल पूरा करने में, एक कार्डियक साइकिल पूरा करने में लगभग 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, यह है इसका। इसके अलावा इसी में आता है फिर ब्लड प्रेशर भी आता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो जैसे ही यह ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है, तो यह ब्लड किसमें जाता है, एओर्टा में जाता है। कहाँ जाता है, एओर्टा में, धक्के के साथ जाता है। धक्के के बाद जाने के बाद जो आर्टरी आ रहा है उसके आर्टरी दीवार पर एक धक्का मारा जाता है, एक तरफ फोर्सेस पैदा की जाती है, उस फोर्सेस का ही मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस मेजरमेंट का जो वैल्यू होता है, इसको हम लोग ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर में दो वैल्यू लिया जाता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब इसके सिकुड़ने से, इसके सिकुड़ने से, वेंट्रिकल के जो सिकुड़ने से ब्लड एओर्टा में गया है, आर्टरी में गया है, वहां जो मैक्सिमम उसका फोर्सेस का वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद जब ये रिलैक्स कंडीशन में आएगा, जब रिलैक्स कंडीशन में आएगा, तो उस दौरान भी वाल के द्वारा कुछ फोर्सेस फील किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो दो तरह का प्रेशर हो गया इसमें ब्लड प्रेशर में, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मान होता है 120 mm of Hg और डायस्टोलिक प्रेशर का मान होता है 80 mm of Hg। ये प्रेशर का, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू होता है, ठीक है, 120/80 mm। और इसके लिए ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट किया जाता है, इसके लिए मशीन आती है, स्फिग्मोमैनोमीटर नामक एक मशीन आती है, इसके द्वारा ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो गया। किसी प्रकार कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसमें जाइलम फ्लोएम सेल के बारे में जानेंगे, एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये सारा चीज जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।